जिन चीजों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है या गिना जा सकता है, वो सारी चीजें कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं। इन बातों को कहते हुए खान सर ने 10 लाख रुपए सिक्किम को दे दिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, खान सर ने 10 लाख रुपए सिक्किम के सरकार को दे दिया। खान सर ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक हैं। सिक्किम एक ऐसा जगह जो बिहार और उत्तर प्रदेश से कोसों दूर है, जिसके बारे में इस ऑफिस में बैठकर ना ही मैं चर्चा करती हूं, ना किसी गली के चौराहे पे बैठकर आप चर्चा करते हैं। लेकिन सोचिए, खान सर जब वहां पहुंचते हैं और वहां की परेशानी को देखते हैं, तो वहां पर उन्होंने 10 लाख रुपए डोनेट कर दिए। अब इस घटना को जरा शुरू से जानते हैं। दरअसल खान सर को द वॉइस एनजीओ ने आमंत्रित किया था अपने पास। जब खान सर वहां पहुंचते हैं तो एनजीओ की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। जब भी किसी गेस्ट को आमंत्रित किया जाता है तो एक सम्मान के तौर पर उन्हें कुछ राशि दी जाती है। खान सर को भी 10 लाख का चेक मिलता है और उसी समय खान सर ने इस बात को बोला कि जिन चीजों को मापा जा सकता है, तोला जा सकता है और गिना जा सकता है, वो सारी चीजें कभी ना कभी खत्म हो जाती हैं। इसलिए मैं इन पैसों का क्या करूंगा, मैं इन पैसों को सीएम रिलीफ फंड में देना चाहता हूं, ताकि यहाँ के जो पीड़ित हैं, जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी है, ये पैसे उनके काम आ सकते हैं। जब खान सर ने केबीसी के सेट पर अच्छी खासी धनराशि जीती थी, तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था कि खान सर ने उन पैसों का क्या किया, कहीं खान सर ने उस पैसे को रख तो नहीं लिया। ऐसे कई बार खान सर कॉन्ट्रोवर्सीज के शिकार हुए हैं और उन पर कई बार बहुत सारे प्रश्न भी उठे हैं। लेकिन देख लीजिए, एक ऐसे राज्य के बारे में उन्होंने सोचा जिसके बारे में ना मैं सोचती हूँ, ना आप सोचते हैं, और ना ही सरकार की इतनी नजर जाती है। आप जानते हैं कि सिक्किम हर साल बाढ़ के चपेट में आता है और हर साल कितने घर तबाह हो जाते हैं, कितनों की जिंदगियां चली जाती हैं। इस बार भी ठीक वैसे ही हुआ। लगातार खबरों में आप देख रहे होंगे कि सिक्किम की हालत कितनी बिगड़ती जा रही है, कितने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कितनों के संबंधी इस दुनिया में नहीं रहे, कितनों के घर नहीं रहे। जब खान सर वहां पहुंचते हैं, वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो वहां के लोगों के दिलों को छू गई। और यही नहीं, जब खान सर ने 10 लाख के चेक को लेते ही उसे डोनेट करने की बात कह दी, तो वाकई में खान सर का जो एक स्थान है वो और ऊपर हो गया। जब खान सर सिक्किम में थे तो वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप बच्चों से 7,000 रुपए क्यों लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बच्चों से उतनी ही फी लेता हूं जिससे हमारी संस्था चल पाए, इसलिए मुझे लगता है कि 7,000 उसके लिए काफी है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक धनराशि की जरूरत होती है जिससे चीजें अच्छे से चल पाए, जिससे क्लास अच्छे से रन हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि खान सर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। इन चीजों में थोड़ी बहुत खर्च आती है। हम कुछ बहुत अच्छा काम करें तो हम अपना नाम अपने गाँव, अपने जिले और अपने राज्य तक कमा पाते हैं। लेकिन जब बात खान सर की आती है तो खान सर जिस जिस राज्यों में जाते हैं वहां वहां उनका नाम बोलता है, वहां वहां के लोग उनके नाम का जयकारा लगाते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि खान सर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि चुनी थी। इसके अलावा आज जहां भी खान सर का पैर पड़ता है, लोग ये भूल जाते हैं कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या किसी संप्रदाय से आए हुए हैं। लोग उनका जमकर स्वागत करते हैं और उन्हें हाथों पर बैठा के रखते हैं। खान सर जिस भी स्टेज पर गए हों, आप वहां की भीड़ को जरा गौर से देखिएगा, जहां पे तालियों की गड़गड़ाहट इतनी ज्यादा तेज होती है कि शायद दूर दूर तक सुनाई दे। खान सर जब केबीसी में गए, खान सर जब कपिल शर्मा शो में गए, खान सर जब बड़े बड़े स्टेजेस पर गए, आपने देखा कि किस तरीके से लोगों का आकर्षण का केंद्र खान सर ही बने रहे। खान सर ने बार बार अपनी दरिया दिली दिखाई है, बार बार अपनी संवेदना व्यक्त की है, बार बार लोगों को ये दिखाया है कि एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होता है। खान सर के इस कदम पर हम सभी उनके सामने नतमस्तक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे खान सर के बारे में, हमारे कमेंट में जाके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।